हेलो दोस्तों, आ चुके मैं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम, अगर आपका इंस्टाग्राम किसी और फ़ोन में लॉगिन है तो उसको हम लॉग आउट कैसे करें, और वो भी बिना पासवर्ड चेंज किए। यानी हम लोग बिना पासवर्ड चेंज किए दूसरे के फ़ोन से अपनी आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं। दोस्तों, ये मुझसे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि कैसे करें, तो मैं सोचा कि इस पर वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो थैंक यू ब्रो इसके लिए। और सबसे अब हम अपने फ़ोन के इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। इंस्टाग्राम यहाँ पर ओपन करने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो गया है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक आप फॉलो कर लीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज, ताकि मैं अगर आप मुझसे चाहें तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मैं आपके परेशानी को सॉल्व कर दूँगा। कैसी भी परेशानी हो, आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों की टोटली परेशानी को सॉल्व कर दूँगा। या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी को लिख दीजिएगा, बोल दीजिएगा, मैं आपके परेशानी पे एक वीडियो बना दूँगा। फ्रेंड्स, तो इसके मैं जो बता रहा था, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने फ़ोन के यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा होगा ये थ्री लाइन, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा एक नंबर पे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सेटिंग, यहाँ पे क्या बोलते हैं ये सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे आने के बाद यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे दिख रहा होगा लॉगिन एक्टिविटी। इस लॉगिन एक्टिविटी पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन एक्टिविटी पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो ये आईडी है वो किस किस फ़ोन में लॉगिन है। यहाँ पे ये दिख रहा है, मेरा सिर्फ एक ही फ़ोन में लॉगिन है, जिसमें मैं फ़ोन यूज करता हूँ उसमें ये लॉगिन है। मेरा फ़ोन J7 है, इसलिए देखिए यहाँ पे ये सैमसंग J7 लिखा हुआ है, दिस सैमसंग J7 00F, ये इसका मॉडल नेम है। और यहाँ पे भी दिखा रहा है कि ये एक्टिव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर मेरा सिर्फ इसी फ़ोन में लॉगिन है, इसलिए सिर्फ एक ही दिखा रहा है। अगर मेरा कहीं और भी लॉगिन होता तो यहाँ पे भी दिखाता, यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऐसा करके दिखाता, और भी दिखाता कि यहाँ पे एक्टिव है और कितने तारीख को ये एक्टिव हुआ है। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप अगर किसी और के फ़ोन में लॉगिन है, अगर गलती से छूट गया, रह गया है, आप लॉगआउट नहीं कर पाए हैं, तो उसके फ़ोन से लॉगआउट कैसे करें। अगर आप चाहते हैं कि उसके फ़ोन में मतलब आप पासवर्ड चेंज ना करें अपने फ़ोन में, अपने इंस्टा का पासवर्ड चेंज ना करें, सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, बस यहाँ तक लॉगिन एक्टिविटी को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी को क्लिक कर, लॉगिन एक्टिविटी में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये थ्री डॉट। तो आपको अपने फ़ोन वाले लॉगिन आईडी पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो दूसरा वाला लॉगिन होगा, यहाँ पे अगर आपको किसी और फ़ोन में लॉगिन होगा तो वो यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे भी थ्री डॉट दिखाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी थ्री डॉट दिखाएगा ऐसे। उस थ्री डॉट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ऐसे, तो देखिए गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया है एक, यहाँ पे लॉग आउट करने का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉग आउट करने का ऑप्शन आ गया है। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, इस लॉगआउट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर लॉगआउट पर क्लिक कीजिएगा, उसके फ़ोन से, जिसके भी फ़ोन में लॉगिन होगा उसके फ़ोन से आपका जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो अपने इंस्टा का पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर उसको पासवर्ड पता है तो आप पासवर्ड बेटर है कि चेंज ही कर दीजिए, क्योंकि फिर आप लॉगआउट कीजिएगा फिर वो लॉगिन कर लेगा। और अगर उसको पासवर्ड मालूम नहीं है तो ठीक रहेगा कि आप इसे लॉगआउट कर दीजिए उसके फ़ोन से, यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।